नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। भगवान राम की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। रामायण में राम से जुड़ी हर चीज के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। बहुत अजीब लगता है ना, जब परिवार में से किसी एक को भी भुला दिया जाता है। भगवान राम चार भाई थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और एक खुद राम। मगर क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। मगर ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम को तो हर कोई जानता है, उन्हें पूजता है, पर उनकी बहन का किसी ने नाम तक नहीं सुना, ना ही कहीं कोई उल्लेख है। कौन थी शांता? क्यों रामायण में शांता का कोई उल्लेख नहीं है और क्यों उनका त्याग किया गया? शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पहली संतान अथवा श्री राम की बड़ी बहन थी। शांता एक बहुत ही होनहार व बुद्धिमान कन्या थी और हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान एवं साहित्य का ज्ञान भी था। अपने युद्ध कौशल से वो सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित करती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति रोमपाद अयोध्या आए थे। बातों बातों में वर्षिणी के मुंह से निकल गया कि अगर उनकी कोई संतान हो तो वो बिल्कुल शांता जैसी हो, वरना ना ही हो। ये बात सुनते ही राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया। तब शांता बहुत ही छोटी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पिता अपनी बेटी को इस तरह किसी को गोद कैसे दे सकता है। दरअसल हुआ यूं कि जब से शांता का जन्म हुआ था तब से ही करीब 12 वर्ष तक अयोध्या में सूखा पड़ गया और इन सब के चलते ही राजा ने सब लोगों से इस समस्या के लिए राय ली तो उनको बताया गया कि ये सूखा उनकी बेटी शांता की वजह से पड़ गया है और यही कारण था कि राजा ने अपनी पुत्री को वर्षिणी और रोमपाद को दान में दे दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं अयोध्या में फिर से ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने शांता को कभी भी अयोध्या वापस बुलाया नहीं। शांता अब अंगदेश की रानी बन गई थी। कहा जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण अंगदेश पहुंचे और उन्होंने रोमपाद से भिक्षा मांगी, पर राजा रोमपाद रानी शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण को नजरअंदाज कर दिया। उस ब्राह्मण को राजा रोमपाद के घर से खाली हाथ जाना पड़ा। इस बात से देवता इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने अंगदेश में उस साल बारिश नहीं होने दी। इस समस्या से परेशान होकर उन्होंने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद अंगदेश में फिर से हरा भरा हो गया। राजा रोमपाद ऋषि सिंह से खुश हो गए और उन्होंने रानी शांता का विवाह ऋषि सिंह से करवा दिया। और यही वजह है कि रानी शांता के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं पाया जाता, ना ही कोई जानता है। ये थी राम की बड़ी बहन शांता की कहानी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।